हाउ टू क्रिएट माजूस वॉलेट, माजूस अकाउंट में कैसे पैसा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाहे कोई भी कंट्री से आप लोग माजूस वॉलेट में कैसे आप लोग क्रेडिट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो माजूस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इसके बाद रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, माजूस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इंडिया से कैसे खेलता है, कोई भी जगह से कैसे खेलता है, मैं सारे चीज़ बता हो चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम में आइए और लाइक फॉलो करिए, बात करिए, मैं पूरा जानकारी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं साइन इन हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं साइन इन हो गया, लॉग इन हो गया। ठीक है, नॉट नाउ कर देता। तो सबसे पहले तो मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारा लोगों को खेलना भी नहीं आता है, क्रेडिट करना भी नहीं आता है। तो आप लोगों को बहुत सारा मैं वीडियो बनाए, जाके देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो आप चाहे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री से आप खेल रहे हैं, आपका जो कार्ड होता है, चाहे आपका बैंक अकाउंट का साथ जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड से आप खेल रहे, वीज़ा मास्टर कार्ड होना चाहिए। अगर कुछ भी और दूसरा भी कुछ होगा तो आपको इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होता है तो वो एक्टिवेट होना चाहिए। आप बैंक में जाके भी आप उसको ऑन करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारा लोगों को ऐड करना नहीं आता है, वहाँ पर एरर आता है, फेल आता है, प्लीज़ ट्राई अगेन आता है। तो आपको सबसे पहले तो आपको वीज़ा मास्टर कार्ड से आप पे कर रहा है, ठीक है, ऐड करना चाहता है, खेलना चाहता है, तो आपको उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑन करना चाहिए, तभी जाके आप लोग खेल पाएंगे। तो बहुत सारा लोग बता नहीं पाते भाई कैसा हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को लाइक दिखाऊंगा कैसे ऐड करना है आप लोगों को, चाहे कोई भी कंट्री से। तो उस दिन मुझे बांग्लादेश से एक लड़का ने पूछा, सर हमारा यहाँ पर हमारा बांग्लादेश का टाका नहीं दिखा रहा है, BSD उधर BST कुछ बोलता है, पर कौन सा टाका बोलता है वहाँ पर तो शो नहीं कर रहा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं, अगर आपका बैंक अकाउंट है बांग्लादेश में, डेबिट कार्ड बा वीज़ा मास्टर कार्ड है वहाँ, उसको वो इंटरनेशनल में पूरा काम करता है। ठीक है, तो आपको पहले वीज़ा मास्टर कार्ड को इंटरनेशनल एक्टिविट ऑन करना पड़ेगा। कोई भी कंट्री का से आप खेल रहे हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बैंक में जाइए, जाके इसको एक्टिवेट करा लीजिए। अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, मैसेज का थोड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आने के बाद ऐड क्रेडिट जो नीचे दिख रहा है आपको, आपको नीचे यहाँ पर देख रहा है, किधर भी जाने का नहीं, ऐड क्रेडिट पर जैसे क्लिक करेंगे आप लोग, यहाँ भी बताऊँगा आप लोगों को, ये डायरेक्ट ऐप से वेबसाइट में लेके जाता है, अभी तक ऐप में पूरा अपडेट दिया नहीं गया हम लोगों ने। तो यहाँ पर आता है, देख रहा है डायरेक्ट, आपको कुछ हेरचार नहीं करने का। ठीक है, तो ऐड क्रेडिट पर जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते सारे डायरेक्ट नीचे सामने बैलेंस समरी में लेके आता है, जो आपको कौन सा मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सपायर, वो तो वीज़ा मास्टर कार्ड तो वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम देखिए 10,500 AED आप इसमें ऐड कर सकते, बाद में धीरे धीरे आप खेल सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 1,000 दिरहम। ठीक है, 1,000 दिरहम जैसे करता हो और यहाँ पर नीचे इसको आगे कर देता है। देखिए मैं पहले से खेल चुका होता, मेरा कार्ड ऑलरेडी मास्टर कार्ड ऐड है, तो मैं ऐड न्यू पर जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कैसा ऐड करते हैं। बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं, जो प्रोसेस आप लोगों को मैं बता दिया वैसा प्रोसेस करेगा ना 100% आप लोग खेल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे समरी देखिए, अमाउंट का जो आपका कार्ड नंबर, कार्ड एक्सपायर मंथ, एक्सपायर ईयर, सिक्योर कोड बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कार्ड का जो बैक साइड में 3 अंक का नंबर होता है वो यहाँ पर डालना है, नेम ऑफ कार्ड, जो कार्ड में जो सेम टू डालना है। ठीक है, तो आप आते हैं यहाँ पर, देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होता है, भाई मैं तो दुबई में हूँ, मैं बांग्लादेश में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पर जो ऑप्शन है पैसा का, जो ये होता है ना बांग्लादेश में टाका, पाकिस्तान में रुपये, इंडिया में INR बोलता है, तो ये सब क्यों नहीं दिखाता है। तो सबसे कुछ डरने वाली बात नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, ये सब इन लोग अपडेट देते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो भी आप अमाउंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप AD में आ रहा है तो AD में तो आपको कार्ड नंबर, मंथली, ये सब डाल के आप लोग जैसे कि डालेंगे, डाल के उसको आगे बढ़ा देंगे,
ये दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आगे कर देंगे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आप बांग्लादेश से यूए का, मतलब कितना दिराम, 35 दिराम टिकट, वही हिसाब से बांग्लादेश से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं, वो जो आ रहा है एडी आ रहा है एडी में रहने देने का, ठीक है। तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आपको ऑटोमेट कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं कुछ चीज़ देखा था आप लोगों को बैक करके, और जब मैं खेला था कैसा आप लोगों को साथ में दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैंने 1000 दिराम डाल दिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कार्ड पर पे करता हूँ और ये लेके जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही कर सकते, आपको सबसे पहले कार्ड को इंटरनेशनल एक्टिवेट करना पड़ेगा। देख रहे हैं आपको सिक्योर कोड जैसे बैक साइड के मैं डालूंगा, AAD में दिखा रहा है लेकिन मेरा इंडियन अकाउंट नंबर, तो वही हिसाब से उन लोग कटेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इन लोगों का कस्टमर ईमेल ID से बात कर सकते हैं, आपको पूरा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम में आइए, फॉलो करिए, बात करिए, मैं आगे आप लोगों को हेल्प करूँगा। तो बस इतना ही था आज का इस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑल ऑन करके रखिए, आगे इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेगा।